ओके तो भाई फाइनली चैनल के ऊपर 400 के स्पेशल क्यूएनओ वीडियो आ चुका है, जिसका आई थिंक बहुत सारे लोग आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई सारे लोग का धन्यवाद यार, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आपने मेरे चैनल के ऊपर इतने सारे सब्सक्राइबर करवा दिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे मैं आपको इसी तरह से एंटरटेन करूंगा। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वैसे वीडियो के बैकग्राउंड में बस ऐसे में बीजीएमआई का गेम प्ले चलता रहेगा, तो अगर आप लोग चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते। तो सबसे पहला सवाल इम्पैक्ट गेमिंग की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सिंपल ये सवाल है, आप कहाँ जन्म लिए हो और आपका एज क्या, आपका नाम क्या? यार मेरा जन्म बिहार के एक बड़ा सा शहर गया में हुआ था, जहाँ करेंट टाइम मैं अपने फैमिली के साथ अभी रहता भी। और आप लोग जैसा स्टोरी मेरा नहीं कि जन्म कहीं और हुआ, उसके बाद पढ़ने कहीं और चले गए, रहते हैं फैमिली के साथ कहीं और, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मैं जन्म लिया था, कल भी मैं अपने फैमिली के साथ वहीं रहता था, आज भी मैं वहीं रहता हूँ साथ में सब। और हाँ, मैं करेंट टाइम में 25 ईयर का हूँ, मेरा नाम अभिषेक राजपूत है। एक्चुअली में हर मंथ बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का मेरा नाम एक्चुअली पता ही नहीं है। और भाई बात ये कि मैं बाकी यूट्यूबर जैसा अपना पूरा इंट्रो भी नहीं बनाऊ, मेरा नाम ये है, आइए हम स्वागत करते हैं इस चैनल के ऊपर, मैं सीधे ओके बोल के वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो आई होप मेरे बारे में आई थिंक सारे लोग को पता चल गया। और हाँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा लिटरली आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता है चिल बॉय की तरफ से, जिनका सवाल यह है 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी आएंगे या फिर मोदी आएंगे? यार देखो, सबसे पहली बात, मैं बिहारी हूँ तो मेरे अंदर राजनीति तो पूरा कुट कुट के भरा हुआ है। पर हाँ, अभी फिलहाल मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बात करना चाहूंगा, पर मेरे अकॉर्डिंग शायद राहुल गांधी को विन करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है अभी करेंट टाइम में एक नया युवा का जरूरत है हमारे देश को चलाने के लिए। इसके बाद बहुत सारे लोग मेरे इनकम के बारे में पूछ रहे थे, तो भाई हर एक मंथ में अपना इनकम ऑलरेडी दिखा देता हूँ अपने चैनल के ऊपर। अभी मैं करेंट टाइम में यूट्यूब से 300K पर मंथ कमा रहा हूँ, एक्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 24-25 हजार मैं पर मंथ कमा रहा हूँ अभी यूट्यूब से। और हाँ, जैसे ही मेरा आगे पेमेंट बढ़ेगा डेफिनेटली मैं आप लोग सारे लोग को दिखाऊंगा। वैसे भाई मुझे एक बात नहीं समझ में रहा, आप लोग को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानने का इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 500 कमेंट में से 100 से 150 कमेंट सिर्फ यही था कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है। इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर भी मतलब मेरे ही कैटेगरी में आते हैं। वैसे भाई मेरे पहले भी गर्लफ्रेंड थी और आज भी है, पर हाँ मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता मेरा प्रेम कहानी सुनने के बाद आप लोग भी रोना शुरू कर दो, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कभी और। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आया दीपेश की तरफ से कि आप WWE देखना कब शुरू किए थे? तो यार देखो, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, पर रोमन रेंज को जिस टाइम पर ल्यूकेमिया हुआ था मुझे याद है, उस समय मैं WWE देखता था। और जैसे ही फिर रोमन रेंज वापस आए ठीक होकर, उसके बाद मैं रेगुलर देख रहा हूँ, तो मतलब अप्रोक्स आप लोग मान सकते हो 3 से 4 साल से मैं WWE रेगुलर में देख रहा हूँ। और हाँ, अगर आप लोग का ये सवाल कि मैं रेसलिंग एक्चुअल में देखना कैसे शुरू किया, तो भाई 11th-12th में मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोग रेसलिंग के बारे में बात करते थे, पर उस टाइम पर ना ही मेरे पास फोन था ना ही मेरे पास टीवी था, तो मैं उस समय WWE देखता भी नहीं था। पर उसके बाद जैसे ही मेरे पास फोन आया था, उसके बाद मैं रेसलिंग देखना मैं कंटिन्यू कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता विक्रांत गेमिंग की तरफ से, जिनका सवाल ये है भाई आप कभी रशियन के दूध की चाय पी है? तो भाई देखो, सबसे पहली बात मैं चाय नहीं पीता हूँ, दूसरी बात मेरे घर में खुद का गाय है, तो मैं अपनी गाय का दूध का चाय पीता हूँ। 190 की क्या भैया, रशियन के दूध की चाय बना रहा हूँ कैसे? इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता सोहेल की तरफ से, जिनका सवाल है क्या रेसल शॉर्ट्स बेस्ट चैनल है रेसलिंग न्यूज के लिए? तो भाई देखो, सबसे पहले अगर न्यूज का बात करें, तो जो न्यूज मैं अपने चैनल के ऊपर देता हूँ, जितने भी यूट्यूबर है सारे यूट्यूबर भी वही सेम न्यूज को अपने चैनल के ऊपर दिखाते हैं। आप लोग अगर चाहें तो सारे यूट्यूबर का न्यूज देख भी सकते हैं, सारे यूट्यूबर का न्यूज सेम ही होता है, मतलब सारे सेम ही जगह से न्यूज लेकर आते हैं। दूसरी बात यह कि डिपेंड सारा कुछ भाई आप पर करता है, आप कौन से यूट्यूबर से इमोशनली कनेक्टेड हो, कौन से यूट्यूबर का आप रेसलिंग न्यूज देखना चाहते हो। पर हाँ, एक बात का मैं जरूर क्लेम करूंगा, अगर आपको अगर मस्ती चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को पर जरूर आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे जो लगता है मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जो मजा है, मेरे ख्याल से किसी और यूट्यूबर के शॉर्ट्स वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे भी शॉर्ट्स वीडियो कोई बड़ा यूट्यूबर बनाता भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम ही पैसा आता है इसलिए। तो हाँ, अगर आपको मस्ती चाहिए तो डेफिनेटली आपको मेरा चैनल जरूर से पसंद आएगा। भाई कल के दिन मैंने जो रोमन रेंज के अगेंस्ट शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, वैसा शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए किसी भी यूट्यूबर के पास कलेजा चाहिए, लिटरली मैं बता रहा हूँ। भाई आप लोग सारे लोग जाकर उस वीडियो को कमेंट से खोलो, मतलब इतना गाली कोई यूट्यूबर को उतना गाली नहीं पड़ा होगा रेसलिंग कम्युनिटी के अंदर डेफिनेटली। पर हाँ भाई, मेरा कोशिश हमेशा यही रहता कि मैं हमेशा आप लोग को एंटरटेन करूँ, आगे आने वाले टाइम में भी मैं आप लोग को एंटरटेन करता रहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता पाकिस्तान के पुराने PM इमरान खान की तरफ से, जिनका सवाल यह है आपकी शादी कब है? तो भाई देखो, बात ऐसा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैंने वादा किया था कि मैं पैसा कमाऊंगा, उसके बाद तुम मेरे से शादी कर लेना। पर भाई आज के टाइम पर मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, पर उसका शादी किसी और के साथ हो गया। और मेरी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर मुझे जड़ा भी भरोसा नहीं, और शादी के बाद भी किसी और के साथ भाग जाएगी। तो भाई इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अभी फिलहाल मैं एक अच्छी लड़की ढूंढूं, उसके बाद उससे मैं शादी करूंगा। वैसे आप लोग टेंशन मत लो, शादी करने से पहले मैं इस कम्युनिटी को छोड़कर ऑलरेडी जा भी चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता टेक की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है आपने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया? तो भाई देखो, मेरा बचपन से एक सपना फिक्स था कि मतलब मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे सुने, और उसके लिए मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे यूट्यूब लगा, तो उसके बाद मैं यूट्यूब को ज्वाइन किया, मैं यूट्यूब के ऊपर मेहनत किया। देखो आज के करेंट टाइम में क्या है, सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सारे लोग को यूट्यूबर का लाइफ स्टाइल बहुत मतलब पसंद आता है। पर भाई हार्ड रियलिटी ये है कि आपको अगर यूट्यूब के ऊपर आना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, और सबसे बड़ा चीज आपको पेशेंस रखना होगा, आपको इंतजार करना होगा, एक रात में कोई भी यूट्यूबर नहीं बन जाता। आप लोगों को करेंट टाइम भले ही लग रहा हो कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया,
पर भाई ऐसा कोई बात नहीं। अगर मैं आज के दिन अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करना बंद कर दूं तो कल से मेरे चैनल के ऊपर कोई भी लोग विजिट नहीं करेंगे, कोई भी लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। वैसे मुझे पता मैं टॉपिक से भटक गया, पर हाँ मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना था इसलिए मैं यूट्यूब के ऊपर आया। वैसे इसके बाद बहुत सारे सवाल का जवाब पूछा मेरे एक सब्सक्राइबर ने, तो मैं एक एक करके सारे सवाल का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल निकल कर सामने आता, योर फेवरेट एनिमे। तो भाई मैं बचपन में कभी कार्टून वगैरह नहीं देखा, तो मेरा कोई फेवरेट एनिमे है ही नहीं। मैं एक्चुअली में हमेशा से सुपर हीरोज का फैन हूँ, तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो हमेशा से आयरन मैन है। इसके बाद सेकंड सवाल है योर फेवरेट क्रिकेटर। तो भाई मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका, मैं 7-8 साल से मैं क्रिकेट देखना छोड़ दिया हूँ, पर हाँ जिसमें मैं क्रिकेट देखता था मेरे ख्याल से उसमें मेरा फेवरेट क्रिकेटर युवराज सिंह ही था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है योर फेवरेट फुटबॉलर। तो भाई मैं फुटबॉल भी नहीं देखता हूँ। इसके बाद इनका लास्ट सवाल निकल कर सामने आता, योर फेवरेट पॉर्न स्टार। तो भाई मैं पॉर्न नहीं देखता, ऑलरेडी मैं पिछले क्यू एंड ए वीडियो के अंदर भी इस बात को बताया था। तो भाई प्लीज इस तरीके के सवाल मेरे चैनल के ऊपर आप लोग प्लीज मत कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है मैंग की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि एलविस यादव हम लोग की कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या बिग बॉस के अंदर उनको सपोर्ट करोगे। तो भाई देखो सबसे पहली बात, ना ही मैंने आज तक कभी बिग बॉस को देखा हूं, ना ही मैंने आज तक कभी एलविस यादव का मैंने वीडियो को देखा हूं। और भाई मेरा भी यही सलाह है कि अगर आपके अंदर भी अगर थोड़ा सा दिमाग है, अगर आप भी कुछ लाइफ में अगर आगे करना चाहते हो, तो भाई बंद करो ये दोनों चीज देखना। मतलब भाई एलविस यादव अपने वीडियो के अंदर मतलब क्या करता है, गाड़ी दिखाता, आपके गाड़ी खरीद सकते हो, उसका वाला नहीं खरीद सकते हो यार। अगर हम लोग बिग बॉस का ही बात करें तो भाई कभी भी बिग बॉस वाले पढ़े लिखे इंसान को अपने शो के ऊपर बुलाते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि हमारा देश इंडिया आगे बढ़े, उनको सिर्फ शो के ऊपर इसलिए सिर्फ झगड़ा ही दिखाना जो कि हम लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है, उनको सिर्फ अपने शो के ऊपर कंट्रोवर्सी करवाना है जिससे उनका टीआरपी हाई होता है, जिससे उनको पैसा मिलता है। आप लोग अगर मेरे चैनल को देखते हो तो एटलीस्ट आपको रेसलिंग का नॉलेज मिलेगा, कल के दिन आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी कर सकते हो। पर भाई अगर आप लोग एलविस यादव या फिर बिग बॉस को शो देखते हो तो आप एक चीज मुझे सिंगल नहीं बता सकते क्या मिलेगा वो सब सारा चीज देखने से। प्लीज मैं आप लोग से यही रिकमेंड करूंगा कि ये सब सारा चीज बहुत ज्यादा आप लोग मत देखो। इसके बाद नेक्स्ट मेरे एक पाकिस्तानी सब्सक्राइबर की तरफ से सवाल आया कि क्या पाकिस्तान को प्यार करते हो। यार पाकिस्तान हमारा ही मुल्क है, हम लोग सारे लोग एक ही है, तो मतलब हम लोग क्यों नहीं आप लोग को पसंद करें। आप लोग के जितने भी दादा परदादा जितने भी लोग थे सारे लोग के बीच में एक नफरत भरा गया था इंडिया के बारे में। हम सारे इंडियन आपसे प्यार करते हैं, हम सारे इंडियन यही चाहते हैं कि आप खुशहाल ही रहे अपने कंट्री के अंदर। पाकिस्तान के सबसे मशहूर शायर जॉन एलिया थे, जिनका मैं सच में बहुत बड़ा फैन था। इसके अलावा मैं जब ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर GFX मेंटोर मेरे ख्याल से, तो उनका मैं बहुत ज्यादा वीडियो देखता था। तो भाई ऑब्वियसली यार हम लोग बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं। हाँ आपका काम यह है कि अपने मुल्क को आगे ले जाना पढ़ लिख कर, आपका ये काम नहीं कि इंडिया के ऊपर हमला करना। मैं पाकिस्तान का बहुत ज्यादा मैं न्यूज देखता हूँ, तो मुझे पता है पाकिस्तान का करेंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रहा है। वैसे आई होप हम सारे हिंदुस्तानी यही हमेशा चाहेंगे कि आप लोग हमेशा खुश रहें। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता SK टीम की तरफ से, जिनका सवाल यह है कि अगर तुम सोचो तुम्हारे चैनल के ऊपर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तो क्या तुम अपने क्रश को बताओगे। तो भाई देखो रियलिटी यह है कि 100 में से 1% भी ऐसे लोग नहीं रहते जिनके क्रश वापस उनके पास आती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये कि जब तक आप सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में, उससे पहले ही कोई सक्सेसफुल बंदा उनको पटाकर लेकर चला जाएगा, शादी करके लेकर चला जाएगा। वैसे मेरी क्रश बहुत सारी थी भाई, तो मैं किस किस को दिखाऊंगा यार, मुझे खुद नहीं समझ में आता। हां मैं होप करता हूं कि एक दिन हमारे चैनल के ऊपर 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है सेल वाल की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि छोटा भीम को किससे शादी करना चाहिए, इंदुमती या फिर चुटकी से। तो भाई देखो मुझे तो नहीं पता छोटा भीम के बारे में, पर अगर मैं छोटा भीम होता तो मैं चुटकी को गर्लफ्रेंड बनाता हूं, इंदुमती से मैं शादी करता। और हां उसके पीछे का रीजन मत पूछना, क्योंकि अगर मैं इंदुमती से शादी करता तो मुझे दहेज बहुत ज्यादा मिलता। वैसे भाई प्लीज ये बच्चों वाला सवाल मेरे चैनल के ऊपर पूछना बंद करो तुम लोग, मैं सच में ये सवाल पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा मैं ही हंसा हूं। वैसे इसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से गेमिंग चैनल खोलने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप गेमिंग चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो भाई देखो मुझे तो लगता है अगर मैं गेमिंग चैनल स्टार्ट करूंगा तो ऐसा ना हो मेरा फोकस चेंज हो जाए। देखो मैं जो आप लोग को वीडियो देना चाहता हूँ वो मैं सोचता हूँ कि हमेशा मैं बेस्ट वीडियो आप लोग को डिलीवर करूँ। आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग देखते होंगे पहले के चैनल के ऊपर मैं अपने बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो डालता था, 4 से 5 शॉर्ट्स वीडियो मैं एक दिन के अंदर डालता था। पर आज के टाइम पर मैं एक शॉर्ट्स वीडियो हर रोज डालता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मेरा कंटेंट आपको मिल सके। वैसे आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, मैं 4-5 महीने बाद मैं गेमिंग चैनल भी स्टार्ट करूंगा शायद से। वैसे भाई जाने से पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 500 के सब्सक्राइबर जल्दी से सारे लोग कंप्लीट कर दो। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ सकते हैं।